आदाब नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद शौकीन और आप देख रहे हैं सहारनपुर न्यूज। पेश है आज दिन भर के समाचार। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को सहारनपुर में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर धरना दिया, जिसके बाद वह धरना स्थल से जुलूस के रूप में जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने जमकर नारेबाजी करते हुए राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपते हुए निरस्त नामांकन पत्रों को बहाल किए जाने की मांग की। इस दौरान प्रदर्शन में जिलाध्यक्ष चौधरी रुद्र सेन, इंद्र सेन, फैसल सलमानी, सरफराज खान सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये जिस तरीके से जो है शासन प्रशासन द्वारा जो है क्षेत्र प्रमुख के चुनाव में जो एक तरफा कार्रवाई की गई, धांधली की गई और विपक्ष के पर्चियों को निरस्त किया गया, उसके संबंध में हम यहाँ जिलाधिकारी महोदय से मिलने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ जिलाधिकारी महोदय यहाँ से गायब है। कल से ही गायब है। हमने कल भी प्रयास करा, आज भी हमने प्रयास करा, नहीं मिल पाए। और जिस तरीके से हमारी साथ जो नाइंसाफी हुई, लोकतंत्र की हत्या हुई, उसके संबंध में हमारी मांग है कि हमारे प्रत्याशियों का पर्चा जो है वो बहाल होना चाहिए। जब उनका पर्चा बहाल है तो हमारा पर्चा भी बहाल होना चाहिए। ये आर्टिकल 2324 में स्पष्ट लिखा गया है कि किसी छोटी मोटी त्रुटि पर आप किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकते। और ये ब्लॉक बलिया खेड़ी प्रमुख चुनाव के नामांकन प्रक्रिया के दौरान भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया पर हमले का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने 4 सूत्रीय ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपते हुए ब्लॉक बलियाखेड़ी के चुनाव प्रक्रिया को स्थगित किए जाने और चुनाव हेतु कोई अन्य तिथि नियत किए जाने की मांग की और कमल वालिया को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराए जाने की मांग भी की। बीजेपी की जो गुंडागर्दी चल रही है सरेआम पूरे देश में तानाशाही चल रही है, पूरा आवाम दुखी है बीजेपी से, पूरा देश परेशान है, किसान मजदूर आवाम पूरा परेशान है। आज उसी गुंडागर्दी के खिलाफ धरना प्रदर्शन है। हम इस धरने को इसलिए लेकर गए कि यहाँ अगर आपने जिला पंचायत में देखा होगा, अभी जो है क्षेत्र पंचायत जो चुनाव हुए इसमें देखा होगा, यहाँ बीजेपी सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी चाहती है और अपना राज स्थापित करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी को विपक्ष मंजूर नहीं है, वो डरती है विपक्ष से, क्योंकि उसे पता है कि आवाम पूरा दुखी है, उसको कोई वोट नहीं देगा, इसलिए गुंडों के दम पर सत्ता हासिल करना चाहती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर तमाम वो बीडीसी मौजूद है जो आज अपना इस्तीफा लेकर के डीएम साहब को देने आए हैं। यहाँ तमाम बीडीसी अपना इस्तीफा देंगे, क्योंकि जब उनका जो है चुनाव का अधिकारी नहीं है तो कैसे बीडीसी, वो अपना तमाम बीडीसी आज जो है अपना इस्तीफा देंगे डीएम साहब को और अपना एक कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। हाँ, हमारे ऊपर नहीं हमला देश के संविधान के ऊपर है, इस लोकतंत्र के ऊपर है। लोकतंत्र पूरे तरीके से खत्म हो गया है। आज बीजेपी सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी पर अपना राज स्थापित कर रही है, गुंडागर्दी के दम पर सरकार चलाई है। शुक्रवार को सहारनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में भारतीय किसान संघ की एक आवश्यक बैठक का आयोजन जिला अध्यक्ष राहुल त्यागी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिसके बाद किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपते हुए अपनी मांगों के जल्द से जल्द निस्तारण की मांग की। आज भारतीय किसान संघ के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में 75 जिलों माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापित एक ज्ञापन सभी जिलाधिकारियों के माध्यम से दिया जाएगा, जिसका मुख्य एजेंडा गन्ना मूल्य में वृद्धि। हम भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ता पिछले 4 वर्षों से गन्ने के मूल्य में कोई 1 रुपये की वृद्धि नहीं हुई, जबकि तमाम तरह की जैसे उर्वरक, बिजली, डीजल लगातार महंगाई ऊपर छूती जा रही हैं, जिससे किसान की कमर टूट गई है बिल्कुल। तो भारतीय किसान संघ 400 रुपये कुंटल गन्ने का भाव तत्काल घोषणा करने की मांग माननीय मुख्यमंत्री से करता है और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किसान का
चीनी मिलों के ऊपर 10,176 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य भुगतान बकाया है, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में ब्याज सहित दिलाने का काम राज्य सरकार करे। यदि ये मांगे हमारी पूरी नहीं होती हैं तो भारतीय किसान संघ एक उग्र आंदोलन की रणनीति तैयार करेगा और सड़क पर उतरेगा और पूरा सरकार का विरोध करेगा, क्योंकि जो किसान का हित करेगा वही प्रदेश में राज करेगा, ये भारतीय किसान संघ कहता है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन का मांगों को लेकर 6 तारीख से 12 तारीख तक चलने वाला धरना प्रदर्शन शुक्रवार को भी कलेक्ट्रेट परिसर में जारी रहा, जहां पर जिला अध्यक्ष चौधरी सुखबीर सिंह ने कहा है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो वह 15 तारीख को लखनऊ में भी धरना प्रदर्शन करने का काम करेंगे। हमारा 6 तारीख से 12 तारीख तक का यहां धरना है, गन्ने का पेमेंट ब्याज और गन्ने का रेट 450 रुपये, और इसके 12 तारीख के बाद फिर 15 तारीख को हम लखनऊ कैन कमिश्नर का घेराव करेंगे पूरा संगठन हमारा। एक तो गन्ने का हमारा पेमेंट, एक ब्याज, मैंने 14 दिन के बाद अगर जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है उसके आधार पर इन्हें गन्ने का ब्याज नहीं दे रहे किसान को। अगर सरकार अपनी मांग नहीं मानती तो क्या रणनीति रहेगी आगे? अगली रणनीति जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे उस रणनीति पर चला जाएगा। अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये आह्वान हुआ कि 12 तारीख तक तो 6 तारीख से 12 तारीख तक अपने मुख्यालय को धरने दो, उसके बाद 15 तारीख को लखनऊ कैन कमिश्नर का घेराव करने के, उसके बाद जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे वही होगा। सहारनपुर के जनता रोड स्थित एक होटल के सभागार में रिदम एकेडमी द्वारा एक वीडियो सॉन्ग की शूटिंग का फाइनल टच पूरा किया गया, जहां पर एकेडमी की संचालिका रीना चांदना ने बताया कि यह सॉन्ग बनाने का उद्देश्य उभरते हुए कलाकारों को प्रोत्साहित करना है। आगे बताते हुए उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह के बहुत से सॉन्ग आने वाले हैं और नए कलाकारों को बहुत से अवसर प्रदान किए जाएंगे। इस दौरान कार्यक्रम में प्रिंस अंसारी, विनय बालियान, अर्पित गुज्जर, विपिन वर्मा, सैनी, तानिया, शुभम, साहिल व संदीप ठगराल का विशेष सहयोग रहा। मैं रिदम अकेडमी की ऑर्गेनाइज़र हूं और आज हमारा वीडियो सॉन्ग शूट हो रहा है। ये जनता रोड स्थित एक ये होटल है हमारा गोल्डन लीफ जी, और ये सॉन्ग जो है हम अपने रिदम एकेडमी के चैनल पर अपलोड करेंगे और उसके बाद जो है हम अच्छी किसी चैनल के लिए सॉन्ग की तैयारी करेंगे अपने रिदम एकेडमी के बच्चों के लिए। और आज ये मतलब इस गाने की शूट कर रहे हैं और इस शूटिंग में मतलब हमारी तरफ से इनको 100% सपोर्ट मिल रही है, और मैं ये चाहता हूँ कि इनका जो गाना मतलब हो वो मतलब बहुत अच्छे से मतलब लोगों तक पहुँचे और ये अपने चैनल पर इसको अपलोड करेंगे, और मेरी शुभकामनाएं रीना मैम के साथ। थैंक यू। सहारनपुर में शुक्रवार को छात्र संघ के अध्यक्ष अनूप सिंह अहमदपुर के नेतृत्व में गुज्जर समाज का एक प्रतिनिधिमंडल सहारनपुर को उत्तराखंड या हरियाणा में जोड़ने के प्रस्ताव को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, जहां पर उन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा। उन्होंने बताया कि जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश का आखिरी जनपद होते हुए भी 4 प्रदेशों को जोड़ता है, मगर जनपद सहारनपुर में जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वह नहीं मिल पा रही हैं। सहारनपुर के देवबंद में शुक्रवार को अराजनीतिक संगठन भारतीय जनता मजदूर संघ इकाई का श्रमिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष शांत प्रकाश जाटव और विशिष्ट अतिथि प्रदेश अध्यक्ष मरगूब सिद्दीकी रहे। कार्यक्रम संयोजक मंडल अध्यक्ष नईम अख्तर देवबंदी ने सभी पदाधिकारियों का जोरदार स्वागत किया। इस दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि यह संगठन मजदूरों की समस्याओं को मजबूत तरीके से उठाने के लिए बनाया गया है, जिससे मजदूरों को उनके अधिकार दिलाए जा सकें। हमने पिछले दिनों पूरे देश भर में श्रमिक सम्मेलनों के आयोजन किए जाएं ये योजना बनाई। उत्तर प्रदेश के 75 के 75 जिलों में हम अलग अलग उद्योगों से जुड़े हुए विषयों को लेकर के श्रमिक सम्मेलन करने जा रहे हैं। उसी श्रमिक सम्मेलन की तर्ज पर आज हम देवबंद में जो सहारनपुर जो जिला है ये लकड़ी के काम के लिए बहुत प्रसिद्ध है, यहाँ पर फर्नीचर और तमाम लकड़ी के जो है उद्योग बने हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम यहाँ के उन लकड़ी के काम करने वाले श्रमिक बंधुओं को लेकर के और तमाम बुनकर अन्य जो वर्कर यहाँ पर जो काम कर रहे हैं उनको लेकर के हम इस श्रमिक सम्मेलन का शुभारंभ कर रहे हैं। क्या आप ये हुआ है कि मजदूरों के साथ जो अत्याचार हो रहा है गरीबों के साथ,
उसका एक उद्देश्य लेकर चल रहे हैं हमारे माननीय शांत प्रकाश जाटव जी, जिस मिशन को लेकर चल रहे हैं उसको हमें आगे बढ़ाना है ताकि कोई परेशान ना रहे पूरे हिंदुस्तान में। अलग में कभी ना तो राजनीति से भी अलग हूँ, राजनीति से बिल्कुल अलग है ये प्रोग्राम, सिर्फ मैं समाज की खिदमत के लिए इसमें लगा हूँ। और मुझे सहारनपुर के SCM इंटर कॉलेज में शुक्रवार को 83 यूपी बटालियन NCC के कैडेट्स द्वारा पौधारोपण किया गया, जिसके बाद कैडेट्स ने NCC अधिकारी ब्रजेश पुंडीर के नेतृत्व में मोहल्ला रामनगर पठानपुरा में जागरूकता रैली निकालकर लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए जागरूक करने का काम किया। 83 यूपी बटालियन NCC के कमान अधिकारी कर्नल CS कपकोटी के निर्देशन में आज SCM इंटर कॉलेज के कैडेट्स ने विस्तृत रूप से वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया, जिसके अंतर्गत इन्होंने सर्वप्रथम एक रैली का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य लोगों को अधिक से अधिक पेड़ लगाने के लिए जागरूक करना रहा। सहारनपुर की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल सहारनपुर न्यूज़ में सहारनपुर तक को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।